बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। तो सवाल ये हुआ कि इतना कमजोर इंसान कि वो हैवान जो इससे कमतर है वो इससे ज्यादा ताकतवर है, घोड़ा इससे ज्यादा ताकतवर, शेर इससे ज्यादा ताकतवर, हाथी इससे ज्यादा ताकतवर, तो गोया कि ये हैवानात जो इससे कमतर है वो इससे ज्यादा ताकतवर है, और ये पुरवकार खड़े पहाड़ों के सिलसिले ये इससे ज्यादा ताकतवर, पत्थर रोड ये इससे ज़्यादा ताकतवर, ये ज़मीन की वसत इससे ज़्यादा ताकतवर हैं, उसके बावजूद अल्लाह तबारक व ताला ने इसको सबसे अशरफ और अफजल जो करार दिया है, आखिर कौन सी वो असास और बुनियाद है कि जिसकी बिना पर अल्लाह तबारक व ताला ने इसको अफजल करार दे दिया। तो असल में बात यह है कि इसमें शक नहीं कि यह कमज़ोर है, इसमें शक नहीं कि जिस्मानी एतबार से इसकी तख्लीक ये ज़ोफ़ और कमज़ोरी से हुई है, इसके ये जिस्मानी एतबार से भी कमज़ोर और आज़ानी और ज़ेन के एतबार से भी कमज़ोर, इसके ख्यालात और नज़रियात में सुकम, तो कमज़ोरियाँ ही कमज़ोरियाँ हैं इसके इर्द गिर्द, लेकिन उसके बावजूद अशरफ अफजल अल्लाह तबारक व ताला इसको इसलिए करार दे दिया कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस इंसान के पैदा होते ही एक ताकत का सरचश्मा इस इंसान के हाथ में दे दिया है। वो ताकत का सरचश्मा ऐसा है कि अगर ये उसके साथ वाबस्ता रहता है तो कायनात की सारी ताकतें इसके सामने ज़ईफ़ और कमज़ोर हो जाती हैं। वो एक ऐसी हकीकत है जामे अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को दे दी है कि इंसान उस हकीकत है जामे को अगर सीने से लगा के रखे, उसके हकायक और मारिफ की हकीकत को समझ जाए और उसके साथ वो वाबस्ता जब रहे, उसके नज़रियात और ख्यालात हो या उसकी अपनी ज़ात हो, वो अगर उसके साथ वाबस्ता रहती है तो ऐसी हकीकत और ऐसी ताकत का सरचश्मा अल्लाह ने इसको अता किया है तो फिर सारी दुनिया की ताकतें इसके सामने कमज़ोर बन कर खड़ी हो जाती हैं। और वो ताकत का सरचश्मा क्या है, वो हकीकत जामिया क्या है, वो हकायक व मारिफ की दास्तान क्या है जो अल्लाह तबारक व ताला इंसान को अता की है, वो अजान है। अजान पांच वक्त की जब अजान देते हैं, ये अजान की दौलत अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को ऐसी अता की है, इस अजान के हकायक के साथ ये वाबस्ता जब रहता है तो फिर इंसान से ज्यादा ताकतवर कोई मखलूक नहीं। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस अजान में अल्लाह अकबर कहकर अपनी बड़ाई और अपनी किबरियाई और अपनी अजमत का सबक पढ़ाकर इसको सबसे ज्यादा ताकतवर कर दिया है, और वो अजान का सरचश्मा जब अपने हाथ में रखता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत इसके सामने ठहर नहीं सकती, फिर आसमानों की बुलंदियां इसके सामने पस्त हो जाती हैं, जमीनों की वसत इसके सामने सुगड़ जाती हैं, दरियाओं की रवानियां इसके सामने थप जाती हैं, पहाड़ों का वकार इसके सामने बेहैसियत हो जाता है, तो गोया कि इंसान इस कदर ताकतवर हो जाता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने अजान की ताकत जब इसके हाथ में दे दी है और जब अल्लाह अकबर कह के अल्लाह तबारक व ताला की बड़ाई बयान करता है, जिस अल्लाह तबारक व ताला ने सारी कायनात के अंदर ताकतें बांटी है, ये जब उस अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को जोड़ लेता है तो फिर इसके सामने सारी ताकतें पस्त हो जाती हैं। तो ये अजान की ताकत अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को ऐसी दी, और पैदा होते ही बच्चे के कान में अजान दे दी जाती है। हालांकि बजायर हम सुनते हैं कि अजान तो नमाज के लिए दी जाती है, मुनादी इसलिए पुकारता है कि अल्लाह अकबर हय्या अला सलाह और नमाज की तरफ, ये तो नमाज के पुकारने के लिए ऐलान था, लेकिन इस पैदा होने वाले बच्चे के कान में अजान देने का क्या मतलब है? उस पर तो नमाज फर्ज नहीं है, उसे तो नमाज अभी पढ़नी नहीं है, उसके कान में अजान और दूसरे कान में इकामत देने का मतलब क्या है? मतलब असल यह है उस बच्चे बतलाना है कि बेशक तू कमजोर है, नातवा है, तो अपनी मर्जी से खा नहीं सकता है, मर्जी से पी नहीं सकता है, मर्जी से चल नहीं सकता है, मर्जी से पैर ओढ़ नहीं सकता है, अगरचे तेरे जोफ की हालत यह है कि इस वक्त कायनात में सबसे ज्यादा कमजोर तू है, लेकिन हम तुझे अजान का सबक दे रहे हैं, अजान का दर्स दे रहे हैं, तुझे सबसे ज्यादा बड़ी ताकत का सबक और उसका रास्ता बता रहे हैं, उसकी मंजिल की खबर तुझे दे रहे हैं। जब उस ताकतवर जात को तो अपने कलब और दिमाग में बिठा देता है तो फिर सबसे ज्यादा ताकतवर तू हो जाता है।